अस्सलाम वालेकुम और खुश आमदेद, मैं हूं फहद हुसैन। लोग कहते हैं कि ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, वैसे करना चाहिए, मगर असल सवाल ये है कि क्या होगा, कैसे होगा और कौन करेगा। आज अदालत उज़्मा में जो कुछ हुआ उसके बाद हवाई बातें करने का कोई फायदा नहीं। मफरूजों की बुनियाद पर यह सोचना कि क्या होगा, शायद इसका भी कुछ फायदा नहीं। अब ठोस इकदाम का वक्त है, होश के नाखून लेने का वक्त है। तारीख है 25 जुलाई। अदालत के हुक्म के बाद इस तारीख को हुकूमत ने अदालत को रिपोर्ट देनी है कि स्विस हुकाम को खत लिख दिया गया है या नहीं। अदालत ने कहा है कि अगर ऐसा ना हुआ तो वो आईन और कानून के मुताबिक कोई भी फैसला कर सकते हैं। जोर किस पर हुआ? आईन और कानून। यानी कानून अगर पार्लियामेंट बदल भी दे तो आईन जूं का तू है, क्योंकि आईनी तरमीम लाने के लिए पार्लियामेंट में 2/3 अक्सरियत से वोट जरूरी है और ऐसी अक्सरियत इस वक्त हुकूमत और उसके तहादियों के पास नहीं है। मतलब यह कि राजा जी की बारात घर वापस जा सकती है कानूनी तौर पर। हां, यह हो सकता है अगर नए वजीर आजम खत नहीं लिखते तो वह साबिक वजीर आजम बन जाएंगे, फिर अगला आएगा फिर वो जाएगा, फिर अगला आएगा फिर वो जाएगा, फिर अगला आएगा फिर वो जाएगा और यह सिलसिला जारी रहेगा। मगर क्या यह मुमकिन है? क्या यह दीमक ज़दा निजाम जिसकी बुनियादें वैसे ही कमजोर हैं, क्या यह निजाम इस तरह की ताबड़तोड़ ज़र्बें बर्दाश्त कर सकता है? एक अजीब टेंशन है पाकिस्तान में, तशवीश है, खौफ है, नाउमीदी है, उदासी है। हर शख्स ये पूछ रहा है कि क्या होगा, कब होगा, कैसे होगा और हमारा क्या बनेगा। लाहौर में दहशतगर्द 9 पुलिस वालों को बेदर्दी से कत्ल करके फरार हो जाते हैं। गुजरात में फौजियों को गोलियों से छलनी कर देते हैं। बलूचिस्तान में रोजाना लाशें मिल रही हैं। मईशत जख्मी हालत में तड़प रही है और कारोबार का बेड़ा गर्क हो रहा है। सरमाया भाग रहा है और सरमायादार भी। ऊपर से रही सही कसर आज शाम के जलजले ने पूरी कर दी। जिधर देखें लोगों के चेहरों से बेजारी टपक रही है, घबराहट झलक रही है और तेवर बिगड़े हुए हैं। अब तो निजाम के लाले भी पड़ गए हैं। सवाल यह है कि क्या इससे कुछ सूरत हाल जो है आने वाले दिनों में वो कहां पे जाके खड़ी होगी, क्योंकि लोग ये पूछ रहे हैं कि कहीं हमें दरमियानी रास्ता नजर नहीं आ रहा। सूरत हाल कुछ यूं है, हुकूमत खत नहीं लिखेगी, अदालत लाख तारीखें दे और लाख फैसले दे, हुकूमत खत नहीं लिखेगी, बात खत्म। दूसरी तरफ अदालत खत लिखने का मुतालबा करती रहेगी, हुकूमत लाख दलाइल दे और लाख बहाने तराशे, लेकिन अदालत मुतालबे से पीछे नहीं हटेगी, बात खत्म। आ गई जुलाई की 25 तारीख, माह रमजान शुरू हो चुका है। अटॉर्नी जनरल 5 रुकनी बेंच के सामने पेश होते हैं। जज साहिबान पूछते हैं, हां भाई लिख दिया खत? अटॉर्नी जनरल जवाब देते हैं, नहीं जनाब नहीं लिखा, क्योंकि सदर साहब को इस्तिस्ना हासिल है, इसलिए मैं ये खत नहीं लिख सकता। जज साहिबान के तेवर बिगड़ेंगे और अब उनके पास दो ऑप्शन होंगे। नंबर एक, तौहीन अदालत के नए कानून के तहत वो वजीर आजम राजा परवेज अशरफ के खिलाफ कार्रवाई शुरू करेंगे, शो कॉज नोटिस होगा, दलाइल दिए जाएंगे, यानी कि वही कार्रवाई होगी जो यूसुफ रजा गिलानी के केस में हुई थी, यानी कि एक्शन रीप्ले, मगर स्लो मोशन में नहीं, शायद फास्ट मोशन में, और इसका हतमी अंजाम भी शायद वही हो जो यूसुफ रजा गिलानी का हुआ। ऑप्शन नंबर दो, आईन के आर्टिकल 204 के तहत अदालत वजीर आजम के खिलाफ एक्शन ऑर्डर करेगी, क्योंकि आईन में वाजे तौर पर लिखा हुआ है कि किसी भी शख्स को अदालत तौहीन अदालत के जुर्म में सजा दे सकती है। फिर क्या होगा? या हुकूमत राजा साहब की कुर्बानी के बाद तीसरा वजीर आजम नामजद कर देगी, या फिर हुकूमत अदालत के खिलाफ महाज खोल देगी। दोनों ऑप्शंस जो हैं उनके ऊपर बहुत सारे सवालिया निशान मंडला रहे हैं। मसलन, क्या हुकूमत तीसरा उम्मीदवार मुंतखब कराने में कामयाब होगी? क्या इत्तेहादी इसका साथ देंगे? और अगर हुकूमत ने अदालत के खिलाफ महाज खोल दिया तो फिर क्या अदालत आर्टिकल 190 के तहत फौज को बुलाएगी? यह परेशानी हर शख्स को है। सरगोशियां हो रही हैं कि फौजी हलकों में बेचैनी है, अपोजिशन जमातें खुद सहमी लग रही हैं, क्योंकि शायद उन्हें भी अंदाजा हो रहा है कि खड़ाक हुआ तो वो भी फारिग हो जाएंगे, और अवाम एक बार फिर अपनी किस्मत को रो रहे हैं। लगता यूं है जैसे कि ये मुल्क अशराफिया की चरागाह बन चुका है, अपने खेल तमाशों में, इक्तदार की रस्साकशी में, इख्तियारात की पंजा आजमाई में,
हुक्मरान चाहे वो अपोजिशन में हो चाहे वो गवर्नमेंट में हो, लगता यह है कि वो खुद भी मरने को तैयार हैं और हमें भी मारेंगे। दहशतगर्दी, मईशत, कर्जे, महंगाई, लोड शेडिंग, बेरोजगारी, तालीम वगैरह वगैरह, ये तमाम इशूज जो हैं इन्हें पीछे धकेल दिया गया है। लगता यूं है कि हम दो कदम आगे बढ़ते हैं और बाद में पांच कदम पीछे धक्का देके पीछे भेज दिया जाता है। मगर अदालती और हुकूमती बंदूकें तो हैं कि तनी हुई हैं, कारतूस चैंबर में है और उंगलियां ट्रिगर पर हैं। अपनी दुकान पर बैठा पाकिस्तानी ये देख रहा है, वो भी देख रहा है जो रेड़ी लगाता है, जो फल बेचता है, जो फील्ड्स में मुशक्कत करता है, फैक्ट्रियों में मेहनत करता है, वो पाकिस्तानी भी देख रहा है जो बैंक में दिहाड़ी लगाता है, जो ईंटों की लपाई करता है, जो वर्कशॉप में सारा दिन काम करता है, जो सरकारी दफ्तर में ड्यूटी करता है और फौज में रिस्क हलाल कमाता है। गर्ज ये कि सब के सब परेशान हैं और बार बार पूछ रहे हैं कि हमें जमहूरियत ने यह दिया, इख्तदार भी जाए, इख्तियार भी जाए, वजीर आजम भी जाए, हुकूमत भी जाए, खैर है, मगर अगर जमहूरियत गई तो इससे बड़ा जुल्म इस मुल्क के साथ इस वक्त नहीं हो सकता। पकड़ें तो किसका गिरेबान पकड़ें। ब्रेक के बाद खुश आमदेद। ब्रेक से पहले कुछ बातें मैं आपसे कर रहा था, थोड़ी अफसरदा बातें तो हैं, लेकिन मकसद मेरा यही है कि ये सूरत हाल है, लोग ये बात कर रहे हैं। अब इसका कोई सलूशन है, कोई वे आउट है, कोई ऐसा तरीका है जिसके जरिए ये जो एक बहरान है, जो एक तरह का पिंजरा है जो हमने अपने इर्द गिर्द बना लिया है, इससे निकलने का क्या तरीका है? ये सवाल मैं रखूंगा तीन मेहमानों के साथ जो मुझे यहां ज्वाइन कर रहे हैं स्टूडियो में। जनाब शाजिया मरी साहिबा मेंबर ऑफ द नेशनल असेंबली हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से उनका ताल्लुक है। इकबाल जफर झगड़ा साहब पीएमएलएन के सेक्रेटरी जनरल हैं और जनाब बाबर सत्तार साहब मायनाज लॉयर हैं, कॉलमिस्ट भी हैं और कमेंटेटर भी हैं मीडिया पे। बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का। शाजिया साहबा, ये एक जनरल क्वेश्चन से शुरू करता हूं, इज एनीबडी इन चार्ज ऑफ दिस कंट्री? को मुल्क चला रहा है इस टाइम, को कंट्रोल में है जो कह सके कि हाँ ये सूरत हाल मेरे कंट्रोल में है, मैं एक सर्टन डायरेक्शन में लेके जा रहा हूँ, ये है या नहीं है या ऑटो पायलट पे चल रहा है? बहुत सबसे पहले तो आपके तबसरे पर मैं तबसरा करूंगी कि इतना पेसिमिस्टिक और इतना जो आपने खुद कहा, शायद आपने ब्रेक में रियलाइज किया कि बड़ा अफसरदा और अफसरदगी फैलाने वाला जो आपने तबसरा किया इस एसी के कमरे में बैठकर, और बाहर की तपेश और बाहर की तकलीफ पता नहीं कितनी समझ में आई होगी या नहीं, लेकिन आपने कहा कि ठेले वाला भी परेशान है, बैंक में काम करने वाला भी परेशान है, फलाना भी नहीं, ये देखिए वर्कशॉप में भी काम करने वाला परेशान है। वो जिन वजूहात की बिना पर या जिन जमीनी हकायक की रोशनी में परेशान है वो नहीं है जिसके हवाले से आप अपनी रेटिंग बढ़ाना चाहते हैं। रेटिंग की उनकी परेशानी भी आपको बता दूंगी, नहीं जी, या आप उस लेवल पर देखिए, मेरा भी ताल्लुक एक देहात से है, उस देहात मेरा भी जाना होता है, यकीन मानिए वहां उनको ये नहीं पता कि कॉन्स्टिट्यूशनल पटिशन क्या है, उन्हें नहीं पता कि इस वक्त कौन सा लॉ आ रहा है। हर इंसान अपनी रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ा हुआ है, खुश तो नहीं उसे बेहतर, बिल्कुल खुश है, उतना मायूस नहीं जितना आप पोर्ट्रे कर रहे। वो तो रिलेटिव बात हो गई, मायूसियां तो वैसे लगी हुई हैं, लेकिन जितनी जो पोर्ट्रे आपने किया आपका अपना तबसरा होगा, लेकिन ये कौम की अकासी नहीं करता, कौम के जज्बात की अकासी नहीं करता। कौम अपनी जिन दुश्वारियों का सामना कर रही है, जिसमें आज सबसे ये यकीनी तौर पे एक बड़ी दुश्वारी हो सकती है कि जिस इदारे की आजादी के लिए, जिस इदारे के इस्तेकाम के लिए लोग लड़ते रहे, आज उसी इदारे से लाखों की तादाद में केसेस की जजमेंट्स वो सुनना चाहते हैं। ये हो सकता है यहाँ रिलेटेड हो, ये आप वाली बात मैं थोड़ा ये कनेक्शन देख रही हूँ कि जी जो छोटा वर्कशॉप पे काम करने वाला है या कोई दुकानदार है जिसकी कहीं ना कहीं कोई पटिशन लगी हुई है, उसका फैसला नहीं हो रहा, हुक्मरानों को दुआएं तो नहीं दे रहे। हुक्मरानों को शायद ही दुनिया में किसी मुल्क में दुआएं मिल रही होंगी, क्योंकि आज दुनिया की मईशत बड़े चैलेंजेस से गुजर रही है। अच्छा। सिर्फ पाकिस्तान का ये हाल नहीं है। अब आपने कहा कि जी क्या सूरत हाल होनी है क्या नहीं है, मेरा ख्याल है देखिये सवाल ही था कि कोई इंचार्ज है इस मुल्क का इस वक्त जो सारी चीजों को कह रहा हो कि जी कंट्रोल में है,
है कोई इंचार्ज? सिस्टम इन प्लेस है, एक ऐसा सिस्टम इन प्लेस है जिसके लिए आपने जिद्दोजहद की है। आज आपके पास आईन के वो आर्टिकल्स अलाइव हैं जिनके लिए हम कहते रहे, चिल्लाते रहे, रोते रहे, और इस मुल्क के अंदर आमरियत को वो ज्यादा मौका मिला बदकिस्मती से जो कि अवाम की हुकूमतों को मिलना चाहिए था या अवामी नुमाइंदों को मिलना चाहिए था। देखिए, एवोल्यूशन प्रोसेस है, इस प्रोसेस के अंदर अप्स एंड डाउन्स होते हैं, लेकिन इसे ये कह देना हत्मी फैसला इसके हवाले से इसको, इसको मैं दीगर मेहमानों के सामने रखता हूं, क्योंकि लाखों लोगों का खून लगा है। दीगर मेहमानों के सामने रखता हूं। झगड़ा साहब, ये देखिए, एक एक्सट्रीम है कि जी लोग परेशान है, दूसरा ये है कि जी मुल्क में दूध और शहद की नहरें बह रही हैं, सब खुश हैं या ठीक है। ये किसी ने नहीं कहा, मैं ऑब्वियसली मैं यू नो इट्स अ मैनर ऑफ स्पीकिंग, जाहिर बात है दूध और शहद की नहरें टेक्निकली मैजिक, लेकिन ये है कि ये भी नहीं है, परेशान है लोग। मैं आपको नहीं लग रहा कि इस टाइम एक अजीब सी कैफियत है और कुछ समझ नहीं आ रहा कौन किधर जा रहा है, कौन क्या कर रहा है, निजाम को क्या हो रहा है? शुक्रिया साहब, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू शाहजा बीबी, मैं यहां इनसे इत्तेफाक नहीं करता कि जी लोग परेशान नहीं है। मैंने ये नहीं कहा लोग परेशान नहीं है, सॉरी आप बात कर ले। हाँ, वो कोई बात नहीं, मैंने इंशाल्लाह आपको मौका देना है, आप मुझे दें। मैं समझता हूं कि लोग इस वक्त जितने परेशान हैं और मायूस हैं, मैंने इस कौम को इतनी मायूसी की हालत में कभी नहीं देखा था। और ये कहना कि जी आम देहात का आदमी जो है वो ये चीजें नहीं समझता, बिलीव मी, बड़ी अवेयरनेस है। खुसूसन जब आपकी अदलिया की बात आती है, आज एक गांव का बंदा भी यही कहता है कि जी अगर इस मुल्क में अदलिया की ये हालत होगी और अदलिया का ये तजलील की जाए तो फिर ये मुल्क चलेगा किस तरह। देखें जी, मसाइल हम कहते हैं लोगों के मसाइल और हैं, अदलिया अपनी जगह छोड़ दें, अदलिया कोई लोगों के मसाइल, मसाइल तभी होंगे हल जब इस मुल्क में निजाम होगा, इसमें इदारे मजबूत होंगे, इदारों का एहतराम होगा, जब इदारों का एहतराम होगा और फिर अदलिया जैसे इदारा अगर इंसाफ फराहम करेगा तो जहां इंसाफ होगा वहां मसाइल खुद हो नहीं रहा। प्रॉब्लम ये है कि ये बिल्कुल इस स्टेज पर हम आ गए हैं, ये आप इधर गिरे या आप उधर गिरे। एब्सोल्युटली मैं आपसे इत्तेफाक करता हूं और शाजिया बीबी को भी यही बताना चाहता हूं कि ये हो नहीं रहा, और इसकी वजह यह है कि बदकिस्मती से मौजूदा हुकूमत, इंस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि हमने ये आपने देखा कि 4-4.5 साल जो इल्जाम हम पे लगे फ्रेंडली अपोजिशन की, बट वी एंश्योर्ड कि ये सिस्टम डिरेल ना हो और इनको जो मैंडेट मिला है इनको अपना वक्त पूरा करने दिया जाए। नहीं तो क्या, लेकिन ये खुदकुशी कर रहे हैं, ये कन्फ्रंटेशनल पॉलिसीज अडॉप्ट करके मैं समझता हूं इन्होंने अपने लिए हालात बहुत बिगाड़ दिए हैं, और ऐसे बिगाड़ दिए हैं कि अब इन्होंने भी एक पोजीशन ले ली है और अदलिया भी राइटली सो वहां पे आ गए। जी बाबर साहब, ये देखिए वही बात हो रही है, मैंने सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए, शाजिया साहिबा ने थोड़ा सा उसको ऑब्जेक्शन रेज किया, आप भी कह रहे थे कि जी ज्यादा है, ठीक है सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए, लेकिन जो एक हकीकत है उसको खाम खा उस पर लिपाई नहीं करनी चाहिए। मुझे ये बताइए, मैं खुदकुशी का लफ्ज इस्तेमाल किया, जान के किए, इट्स अ स्ट्रांग वर्ड, यह जहां पे हम कानूनी तौर पर फंस गए हैं, एक तरफ गवर्नमेंट की पोजिशन, एक तरफ सुप्रीम कोर्ट की पोजिशन, ये खुदकुशी की तरफ जा रहे हैं, और इज दिस टू स्ट्रांग अ वर्ड? फहद साहब देखें, एक जो जनरल पेसिमिज्म नजर आ रहा है, मुझे ये लगता है एज अ सिटीजन, मुझे ये लगता है कि तमाम इदारों ने किसी हद तक हमें फेल किया है एज सिटीजन्स, और कोई सेंस ऑफ इंट्रोस्पेक्शन नहीं है। हमने अगर हम पिछले 2-3-4 सालों में 5 सालों में हम फौज से स्टार्ट कर देते हैं, हम उनकी कारकर्दगी देखें तो कोई उसमें अच्छी चीज बहुत नहीं नजर आती, स्पेशली पिछले साल के जो मुख्तलिफ इवेंट्स हुए। जुडिशरी से बहुत ज्यादा उम्मीदें थी, मेरे ख्याल में वो उम्मीदें भी नहीं पूरी हो सकी, क्योंकि जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का हाल है वो इम्प्रूव नहीं हुआ है, मुझे नहीं लगता कि इम्प्रूव हुआ। लेकिन हम ब्लेम गवर्नमेंट को, और गवर्नेंस का तो बिल्कुल ही फेलियर है, एक वैक्यूम है, गवर्नेंस नाम की कोई चीज नहीं है, जो बेसिक कॉन्ट्रैक्ट है सिटीजन स्टेट का वो पूरा नहीं हो रहा, हर चीज आपको प्राइवेटली करनी पड़ती है, सिक्योरिटी से लेके तालीम से लेके हेल्थ से लेके सब कुछ। लेकिन गवर्नमेंट को हम इसलिए ब्लेम करते हैं क्योंकि गवर्नमेंट को आप चूज करके भेजते हैं, और गवर्नमेंट के पास इनिशिएटिव होता है कि वो ऐसी पॉलिसीज लाए जिससे आप लोगों को गवर्नेंस दें, वरना चीज ऑटो पायलट पे चली जाती है।
और गवर्नेंस अभी ऑटो पायलट और लग रहा है कि ऑटो पायलट। और जो ज्यादा एक बड़ी बात मैं जो कहना चाहता हूं वो ये है कि हम जब यूनिवर्सिटी में थे तो हमने आयशा जलाल का थीसिस पढ़ा और वो थीसिस ये था कि यहां पे जमहूरियत इसलिए पनपती नहीं है क्योंकि जमहूरी टाइम और डिक्टेटोरियल टाइम के दरमियान फर्क लोगों को नहीं नजर आता, फैसले उसी तरह से होते हैं, कुछ लोग फैसले करते हैं। तो जो स्पिरिट है डेमोक्रेसी की कि वो नीचे तक लोगों की अवाम की अकासी हो, और हमने इसका एक ट्रेलर देखा है पिछले दो दिनों में कि किस तरह कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का लॉ तब्दील हुआ है। देखिए कितने लॉज हैं उनके ऊपर डिबेट होती है, बातचीत होती है, कोर्ट क्या करेगी वो तो एक अलग सवाल है, लेकिन ये तो कानून साजी का बिल्कुल हो रहा है और बिल्कुल क्लियरली नजर आ रहा है, बिल्कुल क्लियरली नजर आ रहा है, कोई ढकी चुकी। लेकिन जब आप इस तरह से लेजिस्लेशन करना शुरू करते हैं जिसमें कोई डिबेट शामिल नहीं है, तो फिर जब आप डेमोक्रेसी की बात करते हैं तो लोग हंसते हैं। इसमें जो कानूनी एंगल है मैं उसमें आता हूँ। हाँ, मेरे पास थोड़ा सा टाइम है ब्रेक के लिए, लेकिन ये जो मैं अशराफिया गलास मैंने शायद साहब जान के यूज किया था, उन्होंने ऐड कर दिया, अशराफिया में खैर आप शामिल होते हैं, बिल्कुल, लेकिन रोजगार बड़ा पक्का है, इतनी तनख्वाह मिलती है, मैं अग्री करता हूँ, के तसव्वुर में नहीं, मैं अग्री करता हूँ, मैं अग्री करता हूँ सर, लेकिन देखिए वो व्हाई नेशंस फेल वो जो किताब बड़ी मशहूर आई है उसमें यही आ रहा है कैप्चर ऑफ दी, लेकिन हम वोट लेके नहीं आए, आई एग्री विद यू, लेकिन हम वोट लेके बहुत लोग नहीं आए जो ये कहते हैं कि वी हैव द विल ऑफ पीपल विद अस, वो लोग भी वोट लेके नहीं आए, वोट लेकर पार्लियामेंट में लोग जो बैठे हैं वो आए हैं। और जहां तक बाबर साहब ने किया, मैंने एक पॉइंट जो इन्होंने भी रेज किया डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स का, मैंने आपसे कहा और मैंने हरगिज ये नहीं कहा, झगड़ा साहब का मैं बहुत एहतराम करती हूं और चंद एक लोग हैं पॉलिटिकली ऑल ऑफ अस यू नो हमारी एक स्ट्रगल रही है और इन्होंने ठीक है परेशानियां हैं दुश्वारियां, मेरा जो कंटेंशन यहां था वो था कि जिन दुश्वारियों को या जिस इस वक्त की जो टेक्निकल हालात है उनको आप गरीब के साथ जोड़ें, हर चीज आप गरीब के साथ जोड़ देते हैं और कहते हैं जी गरीब ये चीख रहा है, गरीब इस लॉ को चीख रहा है, देखें गरीब जिस चीज को चीख रहा है वो एक चीज अलग है, जो मुआशी हालात है, जो मुआशी हालात है उसमें जो मैं आपको जो रिलीफ मैं आपको कह रही थी वही रिलीफ बाबर साहब ने की कि आपके कोर्ट्स के जो हालात हैं, जो रिलीफ लोगों को लीगल तरीके से चाहिए वो अगर उन्हें नहीं मिलती तो दैट अफेक्ट्स मेजर पार्ट अगर आप लेंगे कहां का गवर्नमेंट, अगर आपने ओपिनियन बना लिया है, इफ यू हैव एन ओपिनियनेटेड इंट्रो देन आई कांट हेल्प इट, आई नीड टू से माय पीस, मैं आपके सामने रख रहा हूं, आप मुझे बताएं। आप दूसरी बात इन्होंने जो आपने की, देखिए आई वाज अ पार्ट ऑफ दैट, लेट मी टेक अ ब्रेक, ब्रेक का वक्त हो गया, मैं वापस आपके पास ही आता हूं, वापस शाजी अमरी साहब का वापस आएंगे, क्विक ब्रेक लेते हैं, ये थोड़ी सी जनरल हमने गुफ्तगू शुरू की, लेकिन ब्रेक के बाद फिर जो ये जो केस चल रहा है इसके जो बारीकियां हैं तो उसको भी बात करेंगे ताकि समझे कि जब दो तरफ पोजीशनें ले ली गई हैं तो फिर दरमियानी रास्ता है या नहीं है। आफ्टर द ब्रेक वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक, बात हो रही थी इससे पहले कि इस वक्त मुल्क जो है वो ऑटो पायलट पे चल रहा है। शाहिद साहब आप बात करें थी, कंप्लीट कर लें फिर मैं आगे अगले पॉइंट पे चलता हूँ। देखिए वो एक आपके गेस्ट का ओपिनियन था, आप उससे अग्री करना चाहें दैट इज योर ओन सॉर्ट ऑफ ओपिनियन, लेकिन मुल्क के अंदर एक सिस्टम है और एक बड़ी जिदोजहद के बाद ये सिस्टम आया है, कुर्बानियों के बाद आया है। अनफॉर्चुनेटली एक बात ये भी सच है कि जो डिफरेंस हमें फील करना चाहिए वो हमें महसूस तो हो रहा है कहीं ना कहीं, लेकिन चूंकि इस सिस्टम के खिलाफ लोग मुट्ठी भर लोग ऐसे जो ये सोच रखते हैं इसके खिलाफ इस कदर लगे हुए हैं कि कोई ना कोई प्रोपेगेंडा वो चलाते ही रहते हैं सिस्टम के खिलाफ, कभी कोई तारीख है कभी कोई तारीख है, 12 की भी तारीख दे दी गई थी, अब 12 चली गई है तो 25 की तारीख आ गई है, इन तारीखों पर जो है वो दुकानें लोगों की चमकती हैं, इस पर लोग पब्लिसिटी भी गेन करते हैं, अपना काम भी चलाते हैं, बट ये भूल जाते हैं कि इस सिस्टम के अंदर जो खून लगा है जिन लोगों का, जो मैंने आपको पहले भी कहा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुनान का, लीडर्स का, इस पर खून लगा हुआ है, वी अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस सिस्टम एंड वी वैल्यू इट। अब आपने बात की जी हुकूमत बहाने तलाश कर रही है, कौन सा बहाना तलाश किया, हुकूमत आईन को फॉलो कर रही है, हुकूमत आईन को फॉलो ना करे, मैंने ओथ लिया है जो इस आईन में दर्ज है मैं उसके दफा ना करूं, इस आइन का दफा ना करूं, और अच्छा, ये और जिन लोगों को ये आर्गुमेंट लीगल और प्रैक्टिकल और
सेंसिबल आर्ग्यूमेंट है। मैं समझती हूँ जाना चाह रहा हूँ कि फेर नहीं जाए, वो जज सुन रहे हैं, वो ना मेरे पास एक्सपर्टीज है सुनने की, उस लीगल आर्ग्यूमेंट छोड़ दें। देखिए, पढ़ा लिखा तबका अगर इस आइन को समझे और पढ़े तो आज हमारी कौम ये साबित कर सकती है कि हम इस आइन को एज ए सोशल कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं और इस पर इम्प्लीमेंटेशन जो है ऑल ऑफ अस प्लीज जो चीज आपको समझ में नहीं आ रही है, आप समझ के समझना नहीं चाह रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि आई कैन नॉट हेल्प यू अंडरस्टैंड इट बेटर। इस आइन को जज से ज्यादा तो कोई नहीं समझेगा ना, ये तो बॉटम लाइन है ना। जज से ज्यादा कोई नहीं समझेगा, पार्लियामेंट नहीं समझेगी जिसने बनाया। नहीं, पार्लियामेंट करना बनाया किसने? नहीं देखिए ना, आप मुझे बता दे बनाया किसने? पार्लियामेंट ने, पार्लियामेंट तशरी कौन इसे तशरी कोर्ट कौन समझेगा कानून साजी करती है, पॉलिटिकल ओपिनियन वहां पर सर्कुलेट करता है। और एक और बात बाबा साहब ने कही है, देखिए एक सेकंड में कैसे मैं आना चाह रहा हूँ। नहीं देखिए, आप निकल चुके हैं, आपको खुद इसमें खुद फंसना है, वो आपकी अपनी मर्जी है। इस इश्यू से कैसे निकले जो एक मैं आपको बात बता दूं कि देखिए जो ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लॉ है, इस पर भी एक ऑनरेबल गेस्ट ने अभी कहा कि जी इस पर बात नहीं हुई, इस पर डिबेट हुई है, इसके प्रिंसिपल्स पर बात हुई है, इस पर डिबेट हुई है। देखिए कितने दिन लगाने हैं आपने पास करने में, आपने डिबेट का मौका देना है ना। और मेरा ख्याल है कि आप हमारे मेंबर्स को बुला के पूछ रहे, रो रहे हैं साथ, कोई नहीं रो रहे, मेरे साथ रणवीर साहब मौजूद हैं, हमें बात करने दें। एब्सोल्युटली रॉन्ग, मैं तो नहीं समझती, किसी को वक्त नहीं दिया गया। और इससे अब आप घंटा आपका एक मेंबर बोला जगर साहब, आप सीडी मंगा के देख ले, मैं खुद सेनेट में विटनेस थी, वहां पर भी तमाम लोगों ने इस पर बात की। इफ यू डोंट वांट टू एक्सेप्ट दैट, दैट्स अनदर थिंग, बट सीडीज आर अवेलेबल फॉर ऑल हु वांट टू वॉच। हाँ बिल्कुल, वो वॉच हो सकती है, लेकिन जो सर कानून पास हो गया ना, चले वो हो गया, कानून बन गया, वो बात कर रही है। मैं कह रहा हूँ इससे निकले कैसे, निकले रास्ता, आप कह रहे हैं कि इलेक्शन जल्दी करा लें सर, रास्ता उसके अलावा भी है ना, क्या रास्ता उसके अलावा? ये जो खत की बात होती है कि खत लिख दें, बात तो यहीं पर अड़ी हुई है ना। अच्छा, ये चीज जरा वाजे करें लोगों के सामने भी, कौम के सामने भी। ये खत लिखने की जब बात होती है ना, तो कहते हैं जी वो इम्यूनिटी है सदर को और प्राइम मिनिस्टर को। और देखें जी, बात ये है कि कोर्ट ने खुद कहा है कि इम्यूनिटी को आपने डिफेंड ही नहीं किया, वो तो बात ही नहीं हुई। वो तो जब बात उठी 248 की, तो आपके वकील साहब ने खुद कहा कि भाई मैं सदर का वकील नहीं हूं, मैं प्राइम मिनिस्टर का हूं। इस वक्त जिस खत की बात हो रही है, लेकिन ये वे आउट नहीं है ना, क्योंकि खत इन्होंने कह दिया नहीं लिखना, दिस इज नॉट अ वे आउट, वो तो क्लियर कर, लेकिन वो प्रेसिडेंट साहब खुद क्लियर कर चुके हैं। लेकिन उस खत में क्या है कि जी आपके जो मलक क्यूम साहब ने जो खत लिखा था उसको विड्रॉ करें, यही है ना जी। इसमें ये तो नहीं है कि प्रेसिडेंट के खिलाफ नहीं कर रहा सर, वो नहीं कर रहे, मतलब ये गिवन है, उन्होंने कह दिया। अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो करें, आप कह रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो ना करें, इस वक्त द लेटर इन क्वेश्चन, द लेटर इन क्वेश्चन, एनी एक्शन, नो एनी एक्शन, इट इज नॉट एनी एनी एक्शन, दिस इज द कॉन्स्टिट्यूशन। मैं अपनी तरफ से कोई बात नहीं कर रही, मैं खुद इस आइन को फॉलो करूंगी, दिस इज एन ओथ दैट आई हैव टेकन, आई हैव टू फॉलो। लेकिन गिलानी साहब ने भी यही आर्ग्यूमेंट लिया था ना, कोर्ट ने नहीं माना आर्ग्यूमेंट, फैक्चुअल उनका आर्ग्यूमेंट ये था, हिज आर्ग्यूमेंट वाज फैक्चुअल, बट द डिसीजन इज फाइन, उसमें एम्बिग्युइटी नहीं है, उसमें रिजेक्ट हो गया, क्लेरिफिकेशन नहीं, चलिए ठीक है, बट वो रिजेक्ट हो गया। बाबर, लीगली स्पीकिंग एक इन्होंने पॉलिटिकल रास्ता बताया है कि जी इलेक्शन जल्दी करा ले, ये कब बोला इन्होंने? अभी उन्होंने बोला कि जी इलेक्शन जल्दी करा ले, उसकी बात है। 11 बरस भी यहाँ डिक्टेटर रहे, 9 बरस भी यहाँ डिक्टेटर रहे, जब डिक्टेटर से मुकाबला करना तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मैदान में खड़ी हो और आप कह दें जी जमहूरियत आई है तो लपेट लो, नहीं लपेटने वाली बात नहीं है, ये तो देखें एज अ पॉलिटिकल वर्कर मैं नहीं समझती कि किसी भी जमात से आप बिलोंग करते हो ये कहना चाहिए। हमेशा ये कहता हूँ मैं, बात आपका भी एहतराम करता हूँ मैं, ये इसमें कोई शक शुबे वाली बात नहीं है। यकीन करें कि आपने अगर ये 4 साल गुजारे हैं तो इसमें अपोजिशन का बहुत अहम किरदार है, वरना लोग 2 साल बाद अपोजिशन को, अपोजिशन को ये ताना दे रहे थे कि ये फ्रेंडली अपोजिशन है, ये नहीं निकल रहा है, हम तबाह हो गए, बर्बाद हो गए, मुल्क तबाही की तरफ जा रहा है, लेकिन ये कुछ नहीं कर रहे हैं। लेकिन हमने कोई जज्बाती फैसले नहीं किए, वरना अगर जज्बात में आकर मियां नवाज शरीफ साहब भी उठ के
आ जाते सड़कों पर, मेरे ख्याल में कि ये दो साल भी नहीं की, लेकिन कोशिश बिल्कुल नहीं की। खुदा के लिए हमने तो हमेशा आपको, हमने तो उस वक्त भी लोग आपके, जब लोग आपके खिलाफ लोड शेडिंग पे हर शहर में, पंजाब में आपने, उस वक्त भी हमने आपको 10 पॉइंट शुरू में आप इनको डिस्टेबलाइज करना नहीं चाह रहे थे, फिर सेकंड हाफ में जब आपने करने की कोशिश, जब इन्होंने करने की कोशिश की तो आप कर नहीं पाए, दो जरदारी को शुरू किया वो ठप हो गया, पंजाब में जलसे किए वो ठप हो गए। तो देखिए जी, एक चीज मैं बहुत वाजे करना चाहता हूँ, ये दो जरदारी गो वाला जो नारा था ना, ये पीएमएलएन का नहीं था, ये आवाम का था। ये हमने कहां से उठाया? 28 अक्टूबर तारीख वक्त उठाया, जिस वक्त लोड शेडिंग पे लोग आ गए सड़कों पर, उन्होंने फैक्ट आपने कोशिश की, अच्छा हुआ। अगर हम लोड शेडिंग सिर्फ पंजाब फाद भाई, अगर हम मियां नवाज शरीफ मूवमेंट चलाने की और लॉन्ग मार्च कामयाब उस वक्त कॉल दे रहे थे, आप देखते कैसे कामयाब नहीं। बाबर साहब, बहुत नुकसान, लीगली स्पीकिंग कोई तरीका है? कोर्ट कहता है आपने खत लिखना है, गवर्नमेंट कहती है हम नहीं लिखेंगे, बीच में क्या रास्ता है? देखें फाद साहब, बीच के रस्ते निकालना अदालत का काम नहीं है। फॉलो करेंगे प्लीज, बीच पहली बात यह है कि बीच के रस्ते निकालना अदालत का काम नहीं है। अगर पॉलिटिकल स्पेस बनानी है तो ये पॉलिटिकल पार्टीज का, पॉलिटिकल एक्टर्स का काम है। अदालत ने कानून और आईन को इम्प्लीमेंट करना है, और ये एक कंसेप्चुअल प्रॉब्लम है रूलिंग पार्टी के साथ। आप बड़े से बड़े लीडर देख लें पीपीपी के, या आप आम जो कहते हैं कि हम वर्कर्स हैं, किसी को भी आप देख लें, ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि आईन के अंदर एक सेपरेशन ऑफ पावर का कॉन्सेप्ट है। यह गुफ्तगु आजकल हो रही है कि बड़ा कौन है, किसका कद ज्यादा बड़ा है, ये गुफ्तगु करने की क्यों जरूरत पड़ रही है? आपका काम आईन बनाना, आपने बना दिया, उसकी तशरीह करना एक और इदारे का काम है, और वो आईन के अंदर ही लिखा हुआ है कि उस इदारे का काम है। आप आईन को यह कहते हुए कि हम आईन की पासदारी कर रहे हैं, आप उस इदारे का जो काम है आप उसे बिल्कुल नजरअंदाज कर देते हैं। और उसके बाद मैं अपनी कंप्लीट कर लूं, अगर हर पढ़ा लिखा शख्स आईन की तशरीह खुद कर सके, तो वो ममालिक जहां पे लिटरेसी रेट हाई होता है, वहां तो जुडिशरी खत्म कर देनी चाहिए, क्योंकि ये तो फिर इदारे की जरूरत ही नहीं रहेगी, क्योंकि मैं भी अंग्रेजी पढ़ सकता हूं, मैं भी तशरीह कर सकता हूं। तो एक इदारे को रखा जाता है, और आईन के अंदर हमेशा और किसी भी कानून के अंदर तशरीह की गुंजाइश होती है, वो किसी और ने करना है, और इसी कॉन्सेप्ट के साथ आप कॉन्स्टिट्यूशन बनाते हैं। ये जो कॉन्सेप्ट है, ये अंडरस्टैंड करने के लिए तैयार नहीं है, और इसका नुकसान और इस तरह प्रेजेंट किया जाता है जिस तरह जुडिशरी, रूल ऑफ लॉ और डेमोक्रेसी जो है वो कंपीटिंग वैल्यूज है। ये कंपीटिंग वैल्यूज नहीं है। अगर आप आज उनका रोल नहीं एस्टैब्लिश एक्सेप्ट करेंगे आईन को की तशरीह करते हुए, तो कल भी कोई जब डिक्टेटर आ जाएगा तो वो भी उनका रोल नहीं एक्सेप्ट करेगा, और वो देते रहेंगे जजमेंट्स के आपने गैर आईनी काम किया, और उन्हें उठा के बाहर करेंगे। तो ये इदारों को मजबूत करने की जरूरत है इस वक्त, और उसमें उनका रोल एक्सेप्ट करना पड़ेगा। यानी कि फिर सुप्रीम कोर्ट के पास अब कोई चॉइस नहीं है, उन्होंने एक वजीर आजम को फारिग किया है, अब वो ये नहीं कह सकते कि अच्छा जी हम थोड़ा फ्लेक्सिबल हो जाते हैं, देखिए उन्होंने प्रेसिडेंट ले आउट कर दिया। अगर यूसुफ रजा गिलानी के साथ एक सलूक करें और राजा परवेज अशरफ साहब के साथ एक दूसरा सलूक करें, तो हमारे जैसे तमाम लोग वकील खड़े होकर कहेंगे कि एक ही सेट ऑफ एनवायरमेंट में, एक ही फैक्ट्स के ऊपर, एक को आपने कुछ दे दिया, दूसरे को कुछ दे दिया। जो जजेस के साथ करते हैं वो भी एक बड़ा इशू है, दैट इज ऑल्सो जो मेरा सवाल था ना, मैं इनसे पूछ रहा था कि बीच में कोई रास्ता निकलता है, मुझे आपकी बात से समझ आई है कि लीगली स्पीकिंग ये चीज क्लियर है, बीच में कोई रास्ता नहीं है, या आप खत लिखें या आप फारिग हो, दैट्स व्हाट यू सेइंग ना, मैं क्लियर कर लूं एक बार स्ट्रेट फॉरवर्ड। तो यू सेइंग वायलेट 248? जी नहीं, वायलेशन नहीं है। इसके ऊपर एक बड़ी लंबी बहस हो सकती है। देखिए इस एनवायरमेंट के अंदर एक प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट ने सेट कर दिया, वो इम्प्लीमेंट भी हो चुका है, उससे निकल के कोई और रास्ता इख्तियार करना, वो खाली एक रास्ता हो सकता है कि वो कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स अलग से स्टार्ट कर दें। लेकिन उन्होंने जो बाकी ऑप्शंस दी थी, उन्होंने कहा था ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है। उन कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स के साथ साथ वो इम्प्लीमेंटेशन की भी बात करें, और उन्होंने कमीशन बनाने का जिक्र किया था, कमीशन बना दें, खत लिखवा दें, ताकि इस प्राइम मिनिस्टर के साथ तो जो सर पे तलवार लटक रही है, अगर खत लिख सकते हैं,
वो कमीशन से लिख दे, कमीशन से कर सकते हैं, जो उन्होंने ऑप्शन दिए एक कमीशन को कर दे कि आप ये आप इंप्लीमेंट करें और इंस्ट्रक्शन दे दे उसे कि आप ये खत लिख दें। ये तरीका हो सकता है, इज दैट अ वे? देखिए फहद, आई वुड स्टिल से कि कॉन्स्टिट्यूशन में हर चीज वाज़ह है, हम कोई भी चीज कॉन्स्टिट्यूशन से बाहर जाके नहीं कर सकते और ना हम कर रहे हैं। कभी भी ये नहीं कहा गया कि ये नहीं करेंगे, हमने कहा जो आईन में लिखा है वही होगा। जहां तक सवाल पैदा होता है, बाबर साहब ने जो बात की, आई थिंक ये नाराज हो जाते हैं कि जी अगर आपने काला कोट पहना है तभी आप आईन पढ़ सकते हैं और उसको समझ सकते हैं, उसकी तशरीह कर सकते हैं। आई डिसएग्री विद दैट। हर पढ़ा लिखा पाकिस्तानी आईन पढ़ सकता है, समझ सकता है, उसका ये हक है। इसमें लेट मी फिनिश इट, प्लीज लेट मी फिनिश इट। नो, प्लीज लेट मी फिनिश इट। मैं तशरीह तक गई नहीं हूं, मैं समझने तक गई हूं और मैं आज भी कहती हूं कि आई थिंक इट इज द राइट ऑफ ऑल सिटीजंस, एवरी सिटीजन, कि आप देखें आपके फंडामेंटल राइट्स क्या है, कहां आप क्या चीज आप अपने लिए मांग सकते हैं और जाएं तो और कंटेंप्ट के लिए कहां लाइन है। किसी को घूरने पे आप पाबंद नहीं कर सकते, किसी को घूरने पे आप सजा नहीं दे सकते। यू नो, अदालतों का भी एक एहतराम है, उनका एक एक रुतबा है। सिर्फ कंटेंप्ट पे ही अगर उन्होंने केसेस चलाने और फैसले सुनाने हैं तो खुदा ना ख्वास्ता, और ये कल फरहतुल्लाह बाबर साहब ने बात की है कि लोग ये ना कहें कि जी कंटेंप्ट पर हमें अब खुशी होने लगी है, ये वक्त नहीं आना चाहिए। पोजीशन आपने दूसरी बात की है, लेट मी पोजीशन को रीट्रेट कर रही है ना, मतलब आप गवर्नमेंट की पोजीशन को रीट्रेट कर रही है, आईन में लिखा है, और जो गवर्नमेंट कह रही है इस बात को भी कर रही हूँ कि देखिए इदारों का जो बनना है, जो वजूद में आना है और जो उनका रोल है वो आईन में दर्ज है। ये आईन जो पार्लियामेंट ने दिया है, यहाँ पर ये कोई वॉर नहीं है कि हम ऊपर हैं और हम कम हैं और वो ज्यादा है। एटलीस्ट पार्लियामेंट की तरफ से ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन एक हफ्ता पहले स्टेटमेंट आ जाती है कि जी ये कानून आएगा तो इसके साथ ये हशर हो जाएगा। ये स्टेटमेंट तो किसी पॉलिटिशियन ने नहीं दी ना जी, गलत है, ये किसी पॉलिटिशियन ने स्टेटमेंट नहीं दी। स्टेटमेंट क्यों आई, वो सियासी स्टेटमेंट थी, वो नहीं आनी चाहिए थी। इसके अलावा इतने जलसे और इतनी सियासी स्टेटमेंट हो चुकी है, क्या सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल का कोई कोड ऑफ कंडक्ट ही नहीं है? कोई है ही नहीं सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल तक ये बात नहीं, कोई जाती है, ठीक है, वैलिड पॉइंट है। मतलब आई मीन आई एम सीजे साहब ने एक बयान दिया था, वो बयान हम जानते हैं, वो बयान मौजूद नहीं था। अब मुझे नहीं पता ये कहने पे मुझे कंटेंट मिल जाएगी, बट मैंने उस दिन भी कहा था, मैंने कहा था कि वो बयान मौजूद नहीं था, लेकिन मजमूई सूरत हाल पे उस एक बयान का कितना फर्क पड़ता है, ये एक जेरे बहस बात है। झगड़ा साहब, ये हम जब कानूनी बहस में जा रहे हैं ना, तो ये हम पुरानी चीजों में जा रहे हैं, जो बाबर बात कर रहे हैं, जो शादिया साहब बात कर रहे हैं, ये वो सारे आर्ग्यूमेंट्स हैं, हम बड़े महीने से सुन रहे हैं। सियासी तौर पर अब ये सूरत हाल हमारे सामने, 25 तारीख को विनो क्या होना है, जब ये होगा फिर उसके रद्द अमल में क्या हो सकता है? मतलब मैं समझना चाह रहा हूं कि हम कितने खतरनाक स्टेज तक जा रहे हैं, क्या हो सकता है? अब मैं सियासी तौर पर बात कर रहा हूं, पॉलिटिकली नहीं, लेकिन सियासी तौर पे तो आप कह रहे हैं, लेकिन खतरनाक सूरत हाल ये है जो बाबर साहब ने कही और फिर शाजिया बीबी ने अपनी बातों में उसकी कंफर्मेशन कर दी कि ये इसके लिए तैयार ही नहीं है कि ये बात मानी जाए कि इस आईन की, ये कहते हैं हम आईन के मुताबिक जा रहे हैं, लेकिन आईन की तशरी के लिए ये आपका आईन कहता है कि तशरी जो है वो आपका सुप्रीम कोर्ट कर सकता है। तो अगर ये इसको एक्सेप्ट नहीं करते तो फिर ये मामला जो है ये तो फिर देयर इज नो वे आउट। फिर तो देखे ना जी, अगर ये इनको अगर फॉर एग्जांपल हर एक का राइट है समझने का, ठीक है, समझने का है, लेकिन फैसला तो फैसला नहीं कर सकता। अगर समझ सकता हूँ, लेकिन बात करने में अगले क्वेश्चन पे आ रहा हूं। देखिए इशू ये नहीं है कि आप अदालत से डिसएग्री नहीं कर सकते, हम रोज करते हैं, हर अपील जो फाइल होती है उसमें एक वकील एक साइड पे होता है, दूसरा दूसरी साइड पे होता है, आप डिसएग्री करते हैं, लेकिन उसका क्लोजर होता है, और क्लोजर कब होता है? जब अदालत फैसला सुना देती है। आप उस फैसले को क्रिटिसाइज कर सकते हैं, लेकिन आपको एक्सेप्ट करना पड़ता है, और ये दो मुख्तलिफ बातें हैं, और इसमें थोड़ा सा फर्क है, और यही रूल ऑफ लॉ और एनआरसी के दरमियान फर्क है। ये इस तरह की बात है कि अगर मुझे हुकूमत की पॉलिसी पसंद ना हो तो मैं कल कहूं मैं आपको टैक्स नहीं पे करूंगा क्योंकि आपकी पॉलिसी मुझे पसंद नहीं है। आप बना सकते हैं लेकिन आप मेरे राइट्स अपहोल्ड नहीं कर रहे, मैं आपको टैक्स नहीं देता, मैं आपको फी नहीं देता, तो इस तरह तो एनआरसी होगी ना, ठीक है। ये डिस्टिंक्शन है,
क्रिटिसाइज करना एक बात है और एक्सेप्ट ना करना एक दूसरी बात। प्राइम मिनिस्टर साहब के केस में उस फैसले को कबूल कर हुकूमत ने आपको बहुत बड़ी मिसाल दी है, इसके अलावा भी बेशुमार मिसालें हैं। ऐसी कोई बात नहीं है कि हुकूमत अदालती फैसलों को इम्प्लीमेंट नहीं करती या नहीं मानती। ये भी एक परसेप्शन उस जहन का है जो इस जमहूरियत को वैल्यू नहीं करता। शाजिया बीबी, एक चीज आप भी पहले भी वजीर आजम साहब को बुलाया गया था, कोर्ट ने आपको बहुत एक मौका फराहम किया था। झगड़ा साहब उस वक्त अपने 97 में भी बुलाया गया था, सिर्फ 97 की बात थी। मैं अभी की बात कर रहा हूँ कि देखिए, इसी कोर्ट ने आपको मौका फराहम किया कि जिस वक्त प्राइम मिनिस्टर की डिस्क्वालिफिकेशन की बात हुई तो उन्होंने उसको पार्लियामेंट में भेज दिया। स्पीकर ने जो अपना फर्ज अदा करना था वो एक मौका था, वो आपने गवा दिया, उन्होंने अपना फर्ज जो अदा करना था वो नहीं किया। स्पीकर ने अपनी देखिए ये मैं समझता हूँ सुप्रीम कोर्ट ने या जुडिशरी ने आपको ये एक समझना चाहिए। बात खत्म हो रहा है, वजीर आजम साहब अगर अपील तक नहीं की ना हमने तो बिल्कुल, अगर इस केस में वजीर आजम साहब फारिग हो जाते इन केस, तीसरा वजीर आजम की बारी आती है, इनके पास नंबर्स है अभी तो है, तीसरी बारी सूरत चेंज हो जाएगी, करवा लेंगे इलेक्ट तीसरी बारी अपना बंदा। बहुत मुश्किल है जी, अल्लाह ना करे कि ये सूरत हाल हो। मैं आपको कहता हूं अगर ये सूरत हाल आ गई देन एनीथिंग कैन एक मुल्क के तो रिटायर्ड चीफ जस्टिस ने ये लिख दिया है। मैं इट्स नॉट माय वर्ड, आई स्टिल हैव दैट आर्टिकल। मैं ये कहता हूं कि अगर इस तरह हुआ ओवरबोर्ड विद इट्स रूल इंडियन आप की बात करें वो भी है, इसके बाद मोहम्मद हनीफ साहब भी है, ऐसे बहुत सारे राइटर्स है, पीपल हैव स्टार्टेड राइटिंग। देखिए ये कोई इतना ऐसा नहीं है ना हाउसबिल्ला कि हम इस पर बात नहीं कर सकते। जो एक्शन हो रहे हैं लोग देख रहे हैं, आपने वो रोटी और रोजगार की बात की है, रोजगार रोटी भी यकीनी तौर पर जहां लोग ये देख रहे हैं कि हम अपने मसाइल में घिरे हैं, अगर वो टेलीविजन खोलते हैं और आप जो बातें उन्हें बताते हैं लोग उससे भी ज्यादा सोच रखते हैं और सोचते हैं लोग देखते हैं इन अदालतों से। तो हमें इंसाफ चाहिए था, ये कहां पड़े हुए हैं, किसी को घूमने का सजा दे रहे हैं, हुकूमत से भी चाहिए था, बिजली चाहिए थी, गैस चाहिए थी, बिल्कुल देख रहे हैं। पंजाब में सबसे बड़ा सूबा है ना पंजाब जी, वहां भी हुकूमत में बैठे हैं, यहाँ अगर ऑपोजिशन है तो वहाँ हुकूमत में सब तरफ डिलीवरी सबसे लोग मांगते हैं, लेकिन हमारा एहतसाब लोग करेंगे। हाउ वी हैव टू गो इन दैट प्रोसेस एंड दैट प्रोसेस विल कम जब उसका टाइम होगा, उससे पहले उस प्रोसेस की डिमांड करना मैं समझती हूं फिर हमने माजी से कुछ। मेरा ओरिजिनल क्वेश्चन सर अनआंसर्ड है, मैंने शुरू किया था, निकलेंगे कैसे, निकलेंगे कैसे, एक चीज इनको बताना, निकलेंगे इस सूरत हाल से कैसे निकलेंगे, मैं ये जानना चाह रहा हूं। आईन को तो फॉलो करने की बात हो रही है ना जी, आईन की तो हम यही कहते हैं कि आईन की तशरी मैं और आप नहीं कर सकते, समझ सकते हैं, लेकिन तशरी के लिए जिसने करना है आप उसी को नहीं मान रहे। तशरी जिन्होंने करनी है अगर वो कर रहे हैं तो आई थिंक तशरी अलग नहीं हो सकती। अगर आपका नाम इकबाल झगड़ा है तो आपका नाम झगड़ा ही होगा, कोई नया नाम नहीं आ सकता। बाबा सत्तार ये आर्ग्यूमेंट खत्म नहीं हो रहा, ये वही आर्ग्यूमेंट है, लेकिन वो देखिए प्रूव कर रहा है कि हम एक बंद गली में फंस गए। बड़ा हेल्दी एनवायरमेंट है, आपकी 18वीं तरमीम, आपकी 19वीं 20वीं तरमीम सामने आ चुकी है, ऐसे कई इश्यूज हैं, बेशक खैबर पख्तूनख्वा पे आपको एतराज होगा लेकिन उस पर जो कंसेंसस हुआ है, आपके मेंबर ने तो खैर वो पुरानी वर्क पलटने शुरू कर दिए थे दो दिन पहले अगेन, लेकिन कई चीजों पर हमें जो इत्तफाक राय मिला है ये पहले कभी नहीं हुआ। अगर आप ये कहेंगे, अगर आप ये कहें कि आप जमहूरियत के एवोल्यूशन के चैलेंजेस को फेस नहीं करना चाहते, ये इतनी बड़ी ज्यादती होगी जिसका फिर हमें माफ नहीं करना। अगर देखें या तो तीसरा वजीर आजम आएगा या ये कि हुकूमत कहेगी इलेक्ट नहीं कर पाएगी या हुकूमत कहेगी जी सॉरी जी आप हम आपको मानते ही नहीं, ये आप लोग किस तरह के फैसले दे रहे हैं, इसमें आर्टिकल 119 वोक होता है कि मेरा नहीं ख्याल 190 की कोई रेलेवेंस है। लेकिन सियासी तौर पे देखें जितना ज्यादा अगर एक और प्राइम मिनिस्टर इनका डिस्क्वालिफाई होता है तो पीपीपी एज अ रूलिंग पार्टी उतनी ज्यादा कमजोर हो जाएगी इलेक्शन करवाते हुए भी, और जो नया केयर टेकर सेटअप है उसके ऊपर एक अभी एक न्यूट्रल एनवायरमेंट के अंदर डिस्कशन भी कमजोर हो जाएगी। कि मीडिया में क्या क्या लिखा जा रहा है, आप आर्टिकल्स तो पढ़े जरा गौर। जी मैं तो मीडिया में लिखता भी हूँ और मैं पढ़ता भी हूँ, लेकिन पता नहीं इक्तदार के अंदर बैठ के कैसे दुनिया महसूस होती है, हम बाहर बैठे हुए हमें बड़ी मुख्तलिफ महसूस होती है। आप भी इक्तदार से निकलेंगी हमारी साइड पे आएंगी तो फिर आपको भी दुनिया मुख्तलिफ में से फैसले मिलने लगे तो आपको भी वो चीज समझ आ जाएगी कि व्हाट पीपल वांट। सिर्फ ये
नहीं है कि किसी जज को वकला ने थप्पड़ लगा दिया, रसीद कर दिया, इसलिए जुडिशरी की मूवमेंट नहीं चली थी। जी माफ कीजिएगा, जब ये वाकयात होते तो हमें दुख होता है, हमें खुशी नहीं होती। इस सूरत हाल पे हम क्यों पहुंचे हैं? अगर मौजूदा हुक्मरान जमात अपना काम सही करती, इस मुल्क में गुड गवर्नेंस की एक मिसाल कायम करती, यकीन करें ये सूरत हाल ना होती। आज अगर हर इदारा अपनी जिम्मेदारी समझे, मोटो एक्शन ना लिए जाए, कोर्ट ले रही है, तो वो इसी वक्त खत्म हो गया। सर मैं शुक्रगुजार हूँ तीनों मेहमानों का, उन्होंने ज्वाइन किया। शुरू में मैंने एक सवाल उठाया था कि अगर ये सूरत हाल जो सामने, इसमें वे आउट क्या है? मुझे एक सजेशन मिला है जो कि हम सुनते आ रहे हैं कि हुकूमत जल्दी इलेक्शन करवा ले। अगर हुकूमत जल्दी इलेक्शन नहीं करवाती, जो उसका हक है, तो फिर क्या होगा? इस सवाल का जवाब मैं कल फिर कोशिश करूंगा ढूंढने की। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।